नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बजाज फाइनेंस सर्वे पे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम किस प्रकार EMI हमारी बनती है और हमें कितनी EMI का पैसा चुकाना है, इसकी सारी डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर सर्च करना है बजाज फाइनेंस सर्वे। तो मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस सर्वे टाइप कर रहा हूँ। जैसे ही बजाज फाइनेंस सर्वे पे हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है बजाज फाइनेंस सर्वे .in पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा और हमारे सामने कुछ इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, इनको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ो तो भी कोई बात नहीं, क्रॉस पे क्लिक कर लेना है, इसको काट देना है। क्रॉस पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो हमारे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। हमें यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। तो हमें यहाँ पे कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है, वो भी रजिस्टर्ड, जो अपन ने बजाज फाइनेंस सर्वे पे कुछ प्रोडक्ट लिया जब रजिस्टर करवाया तब का। तो यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ। अब OTP आएंगे, OTP को एंटर करूँगा। जैसे ही मैं OTP को एंटर करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। तो मुझे यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना है ना। तो जैसे ही सर्विस पे क्लिक करेंगे हम, तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट डिटेल की जानकारी है वो हमारे सामने कुछ इस तरह से वेब पेज में ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बता रहा है हमने फ़ोन लिया था 17,990 का, तो हमारी मंथली EMI जो है 1,200 रुपये। और इसके बाद नीचे रूरल सिटी फंड केयर का भी जो पैसा है, मतलब बीमे का पैसा लगता है, वो भी इसकी भी जानकारी यहाँ पे नीचे दी गई है। कुल मिला के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सारे डिटेल जानकारी इसमें बता रहा है, कितना पैसा हमें जमा करना है, कितनी EMIs है हमारी और कितना डाउन पेमेंट भी हमने जमा किया है और हमारा कितना पैसा पेंडिंग है, इन सब की जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये था हमारा, जैसे हमारे लोन एक तरह से क्या होता है, हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा लोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कंपनी है वो सेलर को क्या करती है कि लोन के रूप में वो पैसा तुरंत जमा कर देती है और हमारा पैसा फिर कंपनी किस्तों के रूप में जमा करती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ EMI से संबंधित जानकारी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें कुछ आपको समस्या है, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें। जय हिंद।